नमस्कार। आप जानते हैं कि चुनाव का मौसम चल रहा है। सभी उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। उनके स्टार प्रचारक यहाँ आ रहे हैं, उनके समर्थन में सभाएं कर रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो की सदस्य और पूर्व सांसद श्रीमती वृंदा करात भी 5 दिवसीय यात्रा के पश्चात देवघर आई। आइए उनसे जो बातचीत हुई उनके मुख्य अंश आपके लिए पेश करता हूं। अपना एक घोषणा पत्र है, सीपीएम का अपना एक घोषणा पत्र है। उस घोषणा पत्र में 3 हमने मुख्य मुद्दे रखे। एक, संविधान के ऊपर जो हमला है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा, वो जनवाद के ऊपर, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर और सामाजिक न्याय किसान मजदूरों, उसको बचाने के लिए, उस संविधान और उन अधिकारों को 10 साल के अनुभव आधारित हर देशभक्त का ये दायित्व बनता है आज कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराए और देश, जनवाद, धर्मनिरपेक्षता, संविधान को बचाए। दूसरा हमारा है कि इस पूरे संघर्ष में सीपीआईएम मजदूर किसानों के प्रतिनिधित्व करते हुए हम लोग आगे रहे हैं और आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं उसका मुकाबला करने के लिए ये अनिवार्य है कि सीपीआईएम और वाम दल की प्रतिनिधित्व 18वीं लोकसभा में और मजबूत हो। तो ये हमारा दूसरा उद्देश्य है कि दिल्ली में एक धर्मनिरपेक्ष जनवादी सरकार बनाने के लिए हम कमिटेड है, हमारा संकल्प है। अब एक सामने रखकर अगर हम झारखंड की तरफ आए तो झारखंड में एक बात सामने आई है कि जनवाद के ऊपर इतना जबरदस्त हमला हुआ कि चुनाव के मौके पर और उससे तुरंत पहले एक मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल में भेजा। इसका हम सख्त निंदा करते हैं और हमने ये तय किया है कि झारखंड के अंदर हम इंडिया गठबंधन के हम समर्थन करेंगे, जहां जहां हम समझते हैं कि जो हमारे ये 3 उद्देश्य है वो पूरे होंगे वहां हम समर्थन कर रहे हैं। राजमहल और गोड्डा में विशेषकर जहां हमारे मजदूरों का आधार है और झारखंड का खनिज धनी क्षेत्र है, हमने ये देखा यहाँ कि पूरा लूट का राज यहाँ है। जो मैं कहना चाहती हूँ, ये ब्रिटिश जमाना का ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था, ये कंपनी राज यहाँ चल रहा है। चाहे मंत्री हो, संतरी हो, एमपी हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे कंपनी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कंपनी के प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं वो कभी इन इलाकों का विकास नहीं कर सकते। अब आप राजमहल की सांसद को देखिए,
5 साल बीजेपी ने, ये आदिवासी सीट है, एसटी रिजर्व सीट है, 5 साल बीजेपी ने जो आदिवासियों फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का संशोधन करके ग्राम सभा का नाम ही मिटा दिया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो हम लोग बनाए थे उसका धज्जिया उड़ा दिया, और ये सांसद विजय हांसदा वहां रहते हुए भी एक शब्द नहीं बोले। क्यों? क्योंकि हम खुलकर कहते हैं, जैसे गोंडा का एमपी निशिकांत पूरी तौर पर अडानी और कंपनी के पक्ष का एमपी है, उसी तरह राजमहल में विजय हांसा कंपनी का एमपी खुलकर। इसलिए विशेषकर इन दो इलाके में हमारी पार्टी का अच्छा जनाधार है, इस जनाधार को मोबिलाइज करके हम अपने राजमहल क्षेत्र में कॉमरेड भूपेन सोरेन के लिए और गोड्डा क्षेत्र में प्रदीप यादव के लिए हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और खुलकर कर रहे हैं। दूसरी जगह कल जो वोट होगा रांची में, रांची में भी हमने कहा एचईसी का बहुत बड़ा मामला है रांची में, आप जानते हैं एचईसी बंद हो रहा है, हजारों की तादाद में मजदूर अफेक्टेड है। उस एचईसी बचाने की लड़ाई में जो कांग्रेस ने हमारा साथ दिया, इसलिए रांची में भी हमारे साथी खुलकर वहां में तो निशिकांत दुबे दावा कर रहे हैं कि वो 9 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे। देखिए, दावा तो कोई भी कर सकते हैं, वो दावा कर ही सकते हैं क्योंकि कंपनी के समर्थन से वो खड़े हैं, और वो सोचते हैं कि मोदी का राज है और अडानी अंबानी का राज है, सभी जानते हैं। आप बताइए, गोड्डा में हम खुद जाकर देखे हैं, 9 करोड़ लीटर पानी गंगा से पाइप लगाकर वो गोड्डा के अडानी के प्लांट को दिया जा रहा है, जबकि पूरा क्षेत्र बिजली की कटौती जबरदस्त है जनता के लिए, वो पूरा बिजली तैयार करके बांग्लादेश जा रहा है, और निशिकांत दुबे की जबान पर वहां के लोगों वहां के नागरिकों के लिए कोई सवाल नहीं उठा। ये क्या विषय मैंने आपको बताया, इसकी मैंने शुरू में कहा तीन हमारे जो उद्देश्य है पूरे देश में हमारे पार्टी की नीति उस पर आ। फर्स्ट, बीजेपी आरएसएस हराओ। केरल में हमारी एलडीएफ सरकार ने बीजेपी आरएसएस को हरा दिया, उनका खाता केरल में बंद है, असेंबली में उनको एक भी सीट नहीं मिला, और ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि केरल में उनका खाता इस लोकसभा चुनाव में भी, इसके बावजूद कि हजारों करोड़ रुपया खर्च किया, वो बंद ही रहेगा। इसलिए हमारा उद्देश्य बीजेपी आरएसएस हराओ, हम केरल में उसको पूरा कर रहे हैं, और मैं आपको बता रही हूँ एक सीट उनको नहीं मिली। इसीलिए आप खुद देखिए एक बार को, मोदी जी, एक मुख्य सवाल है, मोदी जी अपने गारंटी को क्यों भूल, उनकी भाषणों में उनका जो चिंता, उन्होंने एक नया इतिहास बनाया, बीजेपी ने, सरकार ने मोदी गारंटी, ये कोई तानाशाही है क्या? हमारे देश ये तानाशाही में बदल गया, मोदी की गारंटी, जैसे हिटलर की गारंटी, मोदी की गारंटी, शाह की गारंटी, शाहनशाह की गारंटी, ये सब क्या है? शाहों में महाराजा की मिलेगा गारंटी, जमीन पर धरती पर बैठकर आप यहाँ अमित शाह से धर्म सीखेंगे, छोड़िए इस बात वृंदा जी। मोदी जी ने कहा कि अडानी टेम्पो भर भर के इंडिया के गठबंधन को पैसे भेज रहा है, तो मतलब इसको किस रूप में देखती है, मतलब ये धन। बात, मोदी जी का काला धन खत्म करके डीमोनेटाइजेशन किया, वो जीरो पर आ गया मोदी जी के अपनी जबान पर। दूसरी बात, अगर मोदी जी को पूरा सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है कि टेम्पो जा रहा है कांग्रेस पार्टी की, तो वहां ईडी को क्यों नहीं भेजा अडानी अडानी का, कांग्रेस पार्टी के तब्दील, ईडी को क्यों नहीं भेजा? मोदी जी, ईडी तो आपका एजेंसी है, आपके पार्टी का अंग बना लिया उसी के लिए आपने, ना काम करे ना।